अच्छी लेंथ है, 18 प्लस तो अनुमानो है जी जी 18 प्लस। हाँ, और आगे भाई साहब भाई अपना जो कोई लेगा जी लेगा जी। उसकी चराई पे केयर पे जी जी। जब पहले हम अपने दूध का काम करा करते डेयरी खरीदी। अच्छा अच्छा। और डेयरी में हमने कोई मुनाफा वाली बात मुनाफा तो नहीं मिला जी। और अब ब्रीडिंग पे काम शुरू कर अब ब्रीडिंग पर तो क्या लगता जैसे अच्छा बीज टिकवाएंगे तो अच्छा कटडू मिलेगा जी जी सही बात है। और उनको तैयार करो तो अच्छी। भाई सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिहाग मुर्रा फार्म पर। दोस्तों हरियाणा कहने की जरूरत नहीं है, एक मुर्रा की खान है और इस प्रदेश ने जो मुर्रा नस्ल पर काम करके दिखाया है वाकई काबिले तारीफ है। और इस प्रदेश का जो एक अहम हिस्सा है मुर्रा का वो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपना रोहतक डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो खेल में तो है ही सबसे अधिक, लेकिन अपना जो पशुपालन है इसमें भी एक बहुत ही अच्छा क्रेज ला कर हुआ है। और आज पहुंचे भाई गांव मोखरा जिला रोहतक के अंतर्गत और भाई साहब के पास बहुत ही अच्छी मीणी भैंस है। मीणी भैंस हरियाणा प्रदेश की वो भैंस है, एक काफी अच्छी नस्ल मानी जाती है। अगर मुर्रा कहें तो मुर्रा की एक हिस्सा कह सकते हैं या मुर्रा का थोड़ा मिक्सर कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी भैंसे हमारे यहाँ पर व्यापार में लगा लो या घर के लिए लगा लो बिल्कुल एक अच्छी मानी जाती है, शगुन के लिए मानी जाती है। और इन भैंसों की खासकर स्पेशल डिमांड होती है और मेरे पास भी बहुत सारे फोन आ रहे थे कि भाइयों कोई मीणी भैंस दिखाओ दीपक भाई जो हमें चाहिए है और अच्छे मिल्क रिकॉर्डिंग की अच्छी सेहत काटी की बढ़िया चाहिए है। तो उन भाइयों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो भाई आज की, वीडियो मिस ना करें, टाइम निकाल कर देखें। दोनों भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूध का काम किया है, सेल परचेज का काम किया है और ब्रीडिंग पर भी काम कर रहे हैं। तो पूछेंगे क्या कुछ इनका स्कोप रहा, क्या कुछ इन्हें मुनाफा हुआ, तो वीडियो टाइम निकाल कर देखें। चलिए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलवाता हूँ, दोनों भाई हैं और शानदार काम कर रहे हैं भाई ब्रीडिंग पर। ऐसे ऐसे भाइयों को जब मैं देखता हूँ इकट्ठे पशुपालन कर रहे हैं और अच्छा व्यवसाय करके बढ़िया चीज का मतलब उत्पाद भी कर रहे हैं, बढ़िया दूध उत्पादन ले रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे भाइयों की बहुत जरूरत है ताकि फिर से जो हमारा हरियाणा प्रदेश है वो एक अच्छा जो नस्ल सुधार के लिए जाना जाता है उसका भविष्य में भी ऐसे ही नाम बरकरार रहे। और ये आप देख सकते हैं इसमें अर्जुन की भी है और HLDB सिमन के भी बढ़िया बढ़िया कटड़ी है, तो ये भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मिलते हैं दोनों भाइयों से, काफी अच्छी है इनकी मीणी भैंस। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, भाई दीपक हमारे गांव में पधारने का आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और एक बार सबसे पहले अपना नाम और पूरा एड्रेस बता दो भाई। भाई साहब नाम कुलदीप जी, गांव मोखरा जी, जिला रोहतक। जिला रोहतक जी। एक बार अपना मोबाइल नंबर और दे भाई। 98 138 99 131। तो ये भाई साहब का नंबर है और काफी अच्छा पशुपालन कर रहे हैं, बार बार कहता रहूंगा। तो इनके भाई साहब से और मिलते हैं एक बार। भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई दीपक भाई। एक बार भाई जी आप भी अपना पूरा नाम एड्रेस और नंबर बता दो एक बार। नाम भाई संदीप सर, गाँव मोखरा जी। एक बार मोबाइल नंबर और बता दें। 99 110 33 269 जी। तो ये संदीप भाई का नंबर है। और आपकी जो ये मिनी भैंस एक बार आगे ले आओ भाई जी, इसको ये कवर करवाएंगे भाई। और काफी अच्छी भैंस है, इन दोनों भाइयों से डिटेल लेंगी क्या कुछ है। और देख सकते हैं आप कद काठी की भी, मैं एक हाई तो नहीं कहूंगा, कई कह देते हैं बहुत ज्यादा, जो रियलिटी में है वही दिखाई जाएगी क्योंकि ईमानदारी से चैनल चलाएंगे तभी लोगों को विश्वास होगा, थोड़ा अच्छा चलेगा। ये देखो दोस्तों बहुत अच्छी है, जो एक सफाई होती है ना पीठ वगैरह की, और लगा लो कहीं से चूक नहीं है चोटी में, बहुत शानदार चोटी है। तो एक बार आगे आ जाओ भाई साहब, इसकी पूरी डिटेल दो आप, कौन से लैक्टेशन में है, कितने दिन की होगी बताएं थोड़ा एक बार। भाई साहब ये थर्ड टाइम डिलीवरी देगी। अच्छा तीसरी बार बच्चा। हाँ देगी जी। और मतलब पिछली बार इसने दोनों क्या दी कटड़े कटड़ी, उसके बारे में बताएं थोड़ा। ये देखो भाई थन भी काफी अच्छे हो रहे, बहुत शानदार भाई साहब। दोनों बार इन्हें कटड़ा दिया है। अच्छा कटड़े दिए दोनों बार, देखो परमात्मा ही जी जी, ये तो प्रकृति की देन है। सही बात है, इसमें आप कोई मतलब सवाल नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति की देन है, जो होगा वो होगा। तो भाई साहब दूध रिकॉर्डिंग कितना रहा इसका? भाई साहब इसका 16-17 प्लस है। अच्छा 16-17 प्लस है इसका। तो एक बार थनों की क्वालिटी फिर से दिखाना भाई साहब। जी जी। तो ये देखो भाई थन भी काफी अच्छे है, पीछे वाले बड़े है, आगे वाले छोटे, गैप भी काफी अच्छा है। ये देखो भाई जो जोश होता है लोटी का काफी अच्छा। तो कितने दिन रहते हैं भाई एक बार बताओ थोड़ा। भाई साहब ये 21 तारीख, आज 21 ही है। हाँ जी 21 तारीख है, पूरे 10 महीने। अच्छा पूरे दिन हो गए। तो बाहर ले चलो भाई एक बार दिखाओ इसको। ये देखो भाई अडर भी काफी अच्छा, ये देखो ले चलो एक बार। ये देखो दोस्तों काफी अच्छा अडर की भैंस है, बहुत शानदार। नून ले ले। हाँ तो एक बार
दिखाता हूँ मैं बाहर जाके, और अच्छे तरह अगर पशु कवर होगा तो भी व्यूवर्स हैं जो भाई परचेज करना इसे लेना चाहता है उसको भी अच्छा लगेगा। ले आओ भाई घुमा के, तैयार भी काफी अच्छी कर रखी है भाई ने, ऐसा नहीं है कमजोर है, काफी अच्छी तैयार कर रखी है, काफी मेहनत करे हैं भाई। तो भाई साहब अभी इसका सेल करने का विचार है, आगे वाले पैर देखो भाई काफी अच्छे, रोक लो एक बार। और जो एक मेन चीज होती है मिनी भैंस में देखने वाली होती है सींग जो होते हैं इसके, ये हिलने चाहिए, ये इसका ये देखो बिल्कुल आराम से हिलने भाई, ये देख सकते हो आप, ये प्लस पॉइंट होना चाहिए मिनी में, ये है तो बेटर है, बिल्कुल दोनों साइड के हिलते हैं जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हिल रहे हैं बहुत शानदार। तो संदीप भाई अब इसका क्या विचार है सेल करने का बताएं थोड़ा। भाई साहब अच्छा ग्राहक आओगे अच्छे पैसे लगेंगे तो सेल कर देंगे, आप सेल कर दोगे इसको तो बहुत शानदार, और कई भाइयों की डिमांड थी भाई उसी डिमांड पर आज ये वीडियो लेकर आए। ले चलो भाई जी अंदर ले चलो, तो ये देखिए ऑर्डर देखिए आप, काफी अच्छा बनाएगी और अभी तो मेरे को लगता है कि ले लेगी शायद 2 या 3 दिन और ले लेगी, बस रोक लो यहीं। तो संदीप भाई एक बार इसका बिल्कुल जायज रेट और बता दो, कोई नहीं आराम से डिली छोड़ दो, थोड़ी भयभीत हो जाओ भाई, लगभग सभी पशु हो जाते हैं, बिल्कुल जायज रेट बता दो भाई, ना तो ऊपर ना ही नीचे, ना ही ज्यादा लगे ना ही कम लगे, बिल्कुल जायज रेट बताइए। इसके 1,20,000 है, 1,20,000 रुपए जी। तो कई भाई कहते हैं कि ज्यादा महंगी नहीं ले सकते, उन भाइयों के लिए बिल्कुल आम किसान के लिए शानदार है भाई ये वीडियो, 1,20,000 रुपए भाई ने इस जूटी की कीमत रखी है। लेंथ आप देख सकते हैं भाई काफी अच्छी लेंथ है, 18+ तो अनुमानो है जी जी, 18+। हाँ और आगे भाई साहब भाई अपना जो कोई लेगा जी लेगा जी, उसकी चराई वह केर वह जी 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 जी, बहुत शानदार। और आप देख सकते हैं मैं आम किसान की ज्यादा वीडियो लेकर आता हूं क्योंकि उसमें जो झूठ का जो एक गुण होता है वो बहुत कम होता है। ईमानदारी से एक ही चीज कहता हूं भाइयों से कि ईमानदारी पर काम करोगे तभी जाकर एक आगे अच्छा मतलब आपका फ्यूचर हो सकता है। ये देखो भाई गैप में काफी अच्छे हैं, जोश बहुत अच्छा है, अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन और लेगी, तो बांध दो भाई एक बार इससे, और बिल्कुल अच्छा डेयरी फार्म इनका, जो और पशु हैं वे भी दिखाऊंगा मैं एक बार। तो चलिए अंदर चलते हैं भाई जी। तो आप भाइयों के लिए एक चाहे मोटिवेशनल लगा लो चाहे कैसा ही लगा लो, आप भाइयों के लिए रेगुलरली वीडियो लेकर आ रहा हूं, और एक ही उम्मीद है अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही आपको जो फ्यूचर में उसका लाभ मिलेगा। ऑर्डर देखिए भाई मिनी भैंस का काफी अच्छा बहुत शानदार, तो उन भाइयों के लिए बहुत स्पेशल है ये वीडियो जो मिनी भैंस के गाग थे। तो ये देखो एक और शानदार बहुत शानदार, ये देखो भाई इसका और बताओ भाई क्या कुछ एक बार बाहर। अर्जुन कुंगड़ की है, अर्जुन कुंगड़ की है जी, इसकी माँ का रिकॉर्ड 18+ था, 18+ था, ये भी काफी अच्छी है, ये सेल कर दी 18 महीने की, 18 महीने अगर इसको बाहर ले जाया जाए तो एक बार बाहर ले चलो भाई। तो ये भी सेल के लिए भाई, ना भाई साहब ये सेल, अच्छा सेल के लिए नहीं है, बिल्डिंग पे जी 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 जी। तो भाई अर्जुन कुंगड़ का ये जो नगीना भाई ये तैयार किया है, और जो करेक्टर बताऊंगा जो अर्जुन कुंगड़ के होने चाहिए वो कहाँ से पता चलता आता है, सबसे पहले तो पहली ही बात ये आ जाओ ये लेंथ खड़ा पुट्ठा होता बिल्कुल, कोई मतलब सेवापन या वगैरह इसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल शानदार पुट्ठा। और उसके बाद जो एक मेन चीज आती है गर्दन की लंबाई, एक बार सीधी करियो भाई गर्दन, ये देखो गर्दन की लंबाई आगे से बहुत अच्छी होती है अर्जुन कुंगड़ के बच्चों की, खासकर लगभग 90% अर्जुन कुंगड़ के वाले में बच्चों में आती है। और सींग क्वालिटी का तो क्या कहना भाई, देखो बिल्कुल छोटा सींग चल रहा है, और जब इसकी जो बनावट पूरी होगी तो बहुत शानदार सींग होगा, ये देखो हेड से ऊपर है बिल्कुल मुर्रा बहुत शानदार, बांध दो भाई। तो इसका सेल करने का कोई विचार नहीं है ना भाई साहब, इसका सेल का नहीं जी जी। और बाकी पशु भी दिखाता हूँ काफी अच्छे अच्छे हैं, ये देख सकते हैं आप सरकार डेयरी फार्म काफी शानदार, भैंस भी इनकी बहुत अच्छी है भाई, 23,700 का रिकॉर्ड बताया भाई ने, काफी अच्छी तो बहुत जबरदस्त। तो एक बार दोनों भाई इधर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ, आपसे थोड़ी वार्तालाप करेंगे। तो भाई जी आपसे जानना चाहूंगा मतलब कब से काम स्टार्ट किया था और कब से कर रहे हो, क्या कुछ प्रॉफिट मिला थोड़ा बताएं एक बार। भाई साहब ये अनुमानो हमने कम से कम 10 साल तो हो लिए, 10 साल हो गए आपको, तो पहले क्या कुछ था आज क्या कुछ है भाई साहब। पहले हम अपने दूध का काम करा करते, डेयरी करी थी, अच्छा अच्छा, और डेयरी में हमने कोई मुनाफा वाली बात मुनाफा तो लगी नहीं मिला जी, और अब ब्रीडिंग पे काम शुरू कर, अब ब्रीडिंग पर। तो क्या लगता है मतलब वो स्कोप ज्यादा था या ब्रीडिंग वाला ज्यादा? ब्रीडिंग वाला ज्यादा है भाई साहब, ब्रीडिंग में है जैसे अच्छा बीज टेकवाएंगे तो अच्छा कटड़ू मिलेगा जी जी, सही बात है, और उनको तैयार करो तो अच्छी कीमत भी मिल जाएगी, अच्छी कीमत भी मिलेगी, दूध भी ज्यादा में लगा भाई साहब। इवनू मानो आप
12 किलो 13 किलो दूध का पशु रखांगे तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। जी जी, और यही बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे सभी दर्शकों से, अगर ब्रीड वाले पशु नहीं रखते, मुर्रा तो रखते हैं लेकिन अच्छी दुधारू मुर्रा नहीं रखते, उनमें लॉस का ही आप चांस ज्यादा होंगे। तो कई भाइयों से यही डिमांड करता हूँ, सभी भाइयों से, अगर रखो तो बढ़िया मुर्रा रखो जिसके लिए आपको उत्पादन भी अच्छा मिले दूध का, और उसकी जो कीमत है मुर्रा की वो भी काफी अच्छी दो। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भाई, थोड़ा बताएं मेरे दर्शकों। भाई साहब, मैं तो भैया ने यह कहूंगा, अगर भाई बढ़िया पशु रखो, अच्छा चयन करो जी, और जो अपना बुल है, जोटा है, उसका अच्छा चयन करो, और अच्छा बीज रखवाओ जी, तो बढ़िया कटडू मिलेंगे, अपने पालो और बेचो भाई। भैया कहेंगे दूध बढ़िया मिलेगा जी, इवनू मानो 12-15 किलो में कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल कम से कम 20 प्लस का पशु तो जरूरी है भाई साहब। जी जी, सही बात बताई भाई ने, बहुत शानदार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दर्शकों को ये जो सूचना देने के लिए। बहुत भाई साहब, बच्चा का भी देखो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं पीछे भाई एक बार आते हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो एक बार ना भाई साहब रोज आते हैं। अच्छा अच्छा, देखने के लिए। और जी 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 जी, तो एक बार नाम पूछ लेते हैं, छोटे भाई एक बार नाम बता अपना। प्रतीक। प्रतीक। अपना विनय। विनय। दीक्षा। दीक्षा। वंदिता। विनीता। नाम रियान। रियान। जी जी, तो एक वियान। लोयन। लोयन। अच्छा, लोयन नाम रखा भाई जो भाई का, छोटे भाई का नाम है, वो भी काफी अच्छा है। तो मतलब एक भाइयों को यही संदेश देता हूँ, अगर बच्चों को शुरुआत से इस पशुपालन में रखा जाए तो उनका जो है कि कई आपने देखी होंगी पोस्ट, अगर आप साइंटिफिक भी रीजन पढ़ेंगे, अगर पशुओं के साथ रहेंगे तो ये जो डिप्रेशन वगैरह की बीमारी है, माइंड की आजकल बीमारी चल रही है सबसे ज्यादा, वो बहुत कम होगी। पशुओं के साथ रहेंगे, अच्छी मस्ती में रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बढ़िया इनका जो बचपना वो बीतेगा। तो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में आने के लिए, और आपकी भैंस भी बहुत अच्छी है, पशुपालन करते रहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है भाइयों, सभी भाइयों को राम राम, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बताना जरूर कमेंट करके कैसे लगी, और अच्छा काम करें भाई आप, देख सकते हैं। ठीक है भाइयों, सभी को नमस्कार।